Natividadantasy Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य चतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है शनिवार सत्संग कार्यक्रम में। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा का प्रभाव, यह हमारा विषय रहा है। कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं। तो कलयुग के लिए सबसे सुंदर जो बात रही है वो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य रहा है। देखी उपराग हासी शीघ्र गंगा घाट आसी आनंदे करीला गंगा स्नान अंतरिक्ष देवगणे गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नृत्य कर वाद्य गीत। जब भी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ तो चंद्र ग्रहण लगा था उस समय और अंतरिक्ष देवगण, अंतरिक्ष में अनेक देवता, अनेक समूह, गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत, अनेक प्रकार से नृत्य करने आए और गीत गाने के लिए एकत्र हो गए। कलयुग के लिए सबसे सुंदर बात जो हुई है वो राधा कृष्ण का जो आगमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ है, इसलिए सभी देवता एकत्र हो गए। स्तुति नृत्य वाद्य गीत, स्तुति कर रहे हैं महाप्रभु की, नृत्य कर रहे हैं वाद्य गीत। नर्तक वादक भाट नवद्वीप यार नाथ सबे आसी नाचे पाया प्रीत। और हर प्रकार के कैटेगरी के लोग, अनेक प्रकार के श्रेणियों के लोग थे, सबको आनंद हो रहा था। कोई ये नहीं बोल रहा था ये हमारी जाति वाले हैं, ये हमारी जाति वाले हैं, कोई जाति की बात ही नहीं हो रही थी। तो कभी कभी आध्यात्मिक नेता भी पर्टिकुलर जाति के होते हैं, ये जाति के ये गुरु हैं, ये जाति के ये गुरु हैं, ये जाति के ये गुरु हैं। यहां पे जाति वाति की बात नहीं हो रही थी, पूरा विश्व नाच रहा था। अच्छा, जाति तो छोड़ो, एक राज्य भी नहीं, एक देश भी नहीं, सारे के सारे देश, सारे के सारे ब्रह्मांड में सारे लोक नाच रहे थे, ऑल द प्लैनेट्स। जब ही चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ तो ये उदाहरण दिया गया कि जब चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है, चित्तार्पित उन्मादया, चित्त अर्पित उन्मादया, तो चित्त में अद्भुत प्रकार का आनंद प्राकट्य होता है। अभी भौतिक जगत में जो जीव जन्म लिया है, मेरे को केवल स्पीकर का आवाज आ रहा है, आप लोग को आवाज आ रहा है स्पीकर का? अच्छा है।
जब भी भौतिक जगत में जीव आया है तो हम लोग का आनंद बहुत ही सीमित स्तर तक रहता है। आनंद है लेकिन सीमित स्तर तक रहता है। आनंद होता है कि किसी की शादी फिक्स हो गई, अरे आनंद शादी फिक्स हो गई। फिर जिस दिन शादी है उस दिन बहुत विशेष आनंद, मानो जीवन का सबसे शुभमय दिवस वही हो शादी। जैसे किसी का विवाह हुआ, उसकी विवाह में अच्छा आयोजन नहीं हुआ तो वो बहुत उदास था व्यक्ति, बोले जीवन में एक ही बार तो ये मौका आता है। तो मैं बोला दोबारा ले आओ दोबारा ले आओ। बोले जीवन में एक ही बार मौका आता है और अच्छे से मेरी विवाह अच्छे से नहीं हुआ, कितना दुख है मेरे को, मैं आगे चल के अपने बच्चों को क्या फोटो क्या वीडियो दिखाऊंगा कि तेरे माता पिता की शादी इतनी बेकार तरीके से हुई थी। तो कुछ लोग को शादी का सबसे बड़ा आनंद रहता है, कुछ लोग को संतान प्राप्ति का बड़ा आनंद रहता है कि संतान प्राप्त हो गई तो सबसे बड़ा उत्सव हो गया। कुछ लोग का आनंद रहता है कि संतान हो गई, संतान बड़ा अच्छा करियर बना रही है, बहुत ग्रोथ कर रही है, बड़ा पढ़ाई बड़ा धन कमा रही है तो बड़ा, अरे मेरा बच्चा सबसे अच्छा, क्या धन कमाता है, क्या पढ़ाई किया, ये सबसे अच्छा, उसमें बहुत स्फूर्ति मिलती है। कुछ लोग को कुछ बड़ा प्रकल्प करने में, बड़ा प्रोजेक्ट करने में बड़ी रुचि मिलती है, हमने इतना बड़ा चारों दिशाओं में हमारा नाम हो गया, सब जगह तालियां बज रही है, उसमें रुचि मिलती है। किसी को सामाजिक नेतृत्व करने में रुचि मिलती है, हमें समाज का नेता चुना गया है तो हम बड़े खुश हैं उसके लिए, हाँ वेरी गुड। जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत हिंदू लिखते हैं तो उसमें ये सब आनंद को मानो मतलब देखते भी नहीं उसकी तरह, बोले क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो आप लोग, विच वर्ल्ड आर यू, कौन सी दुनिया में, कौन सी नरक गति में बैठे हो आप लोग। नरक गति तो नहीं बोलेंगे बट कह रहे तुच्छ गति है, तुच्छ चीज है, ये भी कोई आनंद है। तो बोलते हैं चित्तार्पित उन्मादया, बोले आनंद, आनंद की परिभाषाएं सुनिए, किस किस प्रकार का आनंद होता है जब भगवान की कृपा मिलती है, है ना। कभी किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेट करने जाओ, मुझे याद है हमारे, मैं जब दसवीं का कक्षा में था, नौवीं दसवीं में, तो कराटे का चैंपियनशिप लड़ा था और गोल्ड मेडल प्राप्त, नहीं ग्यारहवीं की बात होगी शायद, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था नेशनल लेवल पे, दिल्ली में बड़ा चैंपियनशिप हुआ था। चिंता मत कर, डरने की जरूरत नहीं, हम मारेंगे नहीं आपको, लेकिन नेशनल लेवल। सो रिश्तेदार घर पे आया, मुझे याद है एक हमारी आंटी जी आई, बोली अरे बड़ी कृपा है भगवान की आपके परिवार में। तो उनकी ये कृपा की डेफिनेशन है कि बेटा कराटे में टॉप नेशनल लेवल गोल्ड मेडल लेके आया, तो वही उनकी परिभाषा है भगवत कृपा। बात भी सही है, भगवत कृपा के बिना कोई भौतिक उपलब्धि नहीं होती है, तो एक दृष्टिकोण से वो भी सही है। तो किसी का विवाह अच्छे से हो गया, भगवान की कृपा है। किसी की संतान अच्छी है, भगवान की कृपा है। कुछ धन कमा रहा है, भगवान की कृपा है। लेकिन यहां बोलते हैं चित्तार्पित उन्मादया, बोले भगवत कृपा सच में अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो किस प्रकार के आनंद की स्फूर्ति होती है, वो उदाहरण मुझसे सुनिए, ऐसा रूप गोस्वामी बोलते हैं। और पिछली बार कथा में हमने इन कुछ उदाहरणों पर चर्चा करी थी, जैसे श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, अगर पूरा प्रेम लिया जाए, उस प्रेम को एक रूप दे दिया जाए तो वो श्रीमती राधा रानी है। पर वो श्रीमती राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को देख के उनके चित्त में, उनके दिव्य शरीर में ऐसा उन्माद, ऐसा आनंद प्रकट होता है, हम लोग को अगर आनंद आए तो आंखों से अश्रु आते हैं, उनके रोम रोम से अश्रु प्रकट होते हैं और उसे बोलते हैं स्वेद। वो रोम रोम से जो अश्रु प्रकट होते हैं, इतना आनंद प्रकट होता है, और वो उस आनंद को छुपाने के लिए कई बहाने बनाती हैं, बोलती हैं लगता है सूर्य की किरणें बहुत तेज है इसलिए मेरे को पूरे शरीर से पसीना आ रहा है, लेकिन जो अनेक प्रकार के ब्रजवासी भक्त हैं वो समझाते हैं, बोलते हैं हमें मालूम है ये आपको आनंद क्यों हो रहा है, आप श्री कृष्ण के दर्शन करके ऐसे आनंद की अनुभूति कर रही हैं कि आपकी ये दो आंखें कम पड़ रही हैं अश्रु प्रवाह होने के लिए, शरीर के रोम रोम से अश्रु प्रकट हो रहे हैं आनंद के अश्रु। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के अंकल हुए,
जो पहली बार वो मथुरा से वृंदावन गए कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, मथुरा में उनके मामा कंस ने बुलाया था, कंस ने बुलाया वो लेने के लिए गए। जब रथ में बिठा के लेके आ रहे थे तो संध्या वंदन का समय होता है, उन्होंने सोचा थोड़ा यमुना जी में स्नान करना चाहिए, अक्रूर घाट में उतरे स्नान के लिए। जब अक्रूर घाट में स्नान के लिए उतरे, जो कृष्ण और बलराम उनके भतीजे के रूप में थे, छोटे बालक थे, 11-12 साल के बालक थे, यमुना में उतरे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना वास्तविक वैकुंठ रूप दिखा दिया, अपना विश्व रूप दिखा दिया। तो अक्रूर जी ने जब उस रूप के दर्शन किए, बोले वो इतने आनंद में, इतने भाव विभोर हो गए। उस दिन के बाद अक्रूर जी वापस वो व्यक्ति नहीं थे जो मथुरा से आए थे, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुके थे, क्योंकि तो उन्होंने कुछ ऐसा आनंद, चित्तार्पित उन्माद, या ऐसा उन्माद, ऐसे आनंद की स्फूर्ति उनके हृदय में हुई। और बोलते हैं माता रुक्मिणी और सत्यभामा जो द्वारका में रहती थी, बोलते हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण उनके नेत्रों का सजावट क्या रहता था, उनके नेत्रों का सजावट अश्रुओं द्वारा हर क्षण रहता था, और इतना स्नेह, एक प्रकार का प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न होता था, ऐसा आनंद उत्पन्न होता था, उसका डिटेल में वर्णन किया है। यहां तक कि जब कृष्ण कहीं दूर जाके घूम के वापिस आते थे तो बोलते हैं सारे द्वारकावासी एकत्र हो जाते थे और इतने हड़बड़ा जाते थे बोलने में, अनेक प्रकार की बातें कृष्ण से बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनकी बातचीत में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। वो इतने आनंदित हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कौन सी प्रार्थना पहले बोले, कौन सी प्रार्थना बाद में बोले, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। और उसका उदाहरण दिया है जैसे छोटे बच्चे अपने पिता के सामने जाते हैं, मां के सामने जाते हैं, बहुत समय बाद मिले हैं और आनंद से अनेक टूटी फूटी भाषा में बात करते हैं, कुछ तो बोलना चाहते हैं, प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं। जहां उन्माद की बात आती है, हमने इंस्टाग्राम पे एक कीर्तन का वीडियो डाला और वो कीर्तन का वीडियो में काफी आनंद दिख रहा है, शायद आप में से किसी ने देखा रहेगा, बहुत सारे गुरुकुल के बच्चे मंदिर में नाच रहे हैं और हम भी साथ में ही हैं उनके। तो नीचे एक व्यक्ति कमेंट करता है, भगवान भी भगवत गीता सुना के सोच रहे होंगे मैंने क्या सुनाया और ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये लोग नृत्य कर रहे हैं, भगवत गीता में कहां लिखा है ऐसा। तो वो बोलता है कि उसने ऐसा कुछ लिखा, भगवान हंस रहे होंगे। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने भी उसको कमेंट लिखा, मैं बोला भगवान हंस रहे होंगे तुम्हारे कमेंट को देख के, क्योंकि तूने बिना भगवत गीता पढ़े ये कमेंट दिया है। बोले भगवत गीता के जो 18 अध्याय है, 18 अध्याय का सबसे बीच वाला अध्याय है नौवां अध्याय का सबसे बीच वाला श्लोक है 14 नंबर, है ना। आचार्य बताते हैं आप जो सबसे कीमती चीज होती है उसको सबसे छुपा के रखते हैं, उसको ओपन नहीं ले रखते हैं, क्योंकि ऐसे ही मूर्ख लोग जिनको गीता गहराई से नहीं पढ़नी है उनको पहला दूसरा अध्याय पढ़ के चले जाएंगे। तो भगवान ने वो श्लोक बिल्कुल बीच में रख के रखा है, पहला दूसरा भी पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं, पहले श्लोक में ही छोड़ देंगे लोग तो, क्योंकि सर के ऊपर से चली जाएगी। तो भगवान ने वो बीच में रखा है कि जो सच में धैर्य से, कमिटमेंट से, शुद्धता से जीवन व्यापन करेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, हिम्मत लगाएंगे नवे अध्याय तक पहुंचने का, नवे अध्याय के बीच में उनको वो हीरा मिलेगा। और वो हीरा क्या है, सततम कीर्तयंतो माम। मतलब स्पष्ट, ऐसा मेरी घुमाने की जरूरत है, वो स्पष्ट कीर्तन शब्द का प्रयोग किया है और ये बोल रहे हैं भगवत गीता में कुछ पढ़ाया आप लोग कुछ कर रहे हैं। अरे हम तो वही कर रहे हैं जो भगवत गीता में पढ़ाया है। अच्छा कोई बोलेगा कीर्तन मतलब बैठ के कीजिए, इतना नाचने की क्या जरूरत है,
रोज रोज नाचने की क्या जरूरत है। तो फिर भगवत गीता में जो पढ़ाया है उसका एडवांस्ड स्टडी श्रीमद् भागवत में पढ़ाया है। भगवत गीता हो गया, एक स्टेप आगे जाइए तो श्रीमद् भागवत है। आजकल तो वीडियो बनाने पड़ते हैं कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है, लोगों को यही नहीं मालूम, बेसिक में प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखिए, जिनके घर वैदिक संस्कृति का ज्ञान रहा है बचपन से, मुझे याद भी आ गया, हमारे पिताजी अक्सर सुबह उठ के भागवत पाठ किया करते थे, सुबह सुबह भागवत कभी कभी पढ़ते थे ऐसा, तो कॉमन है। गीता क्या है, भागवत क्या है? अच्छा, वो भागवत में सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज बताते हैं बड़ी स्पष्टता से कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात किया है, जो सच में शिक्षाओं को पढ़ा है, हृदय में उतारा है, उसका आचरण में, उसको अपने आचरण में लाया है, तो सातवें स्कंद के सातवें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं, जब अपने मित्रों को ज्ञान दे रहे हैं, नरसिंह देव के भक्त हैं प्रहलाद महाराज, अपने मित्रों को बोल रहे हैं, बोले भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवद गीता का पालन करते हैं वो जैसे जैसे प्रगति करते हैं वो हर क्षण अनेक प्रकार के भावों से, आनंद के भावों से परिपूर्ण रहते हैं। जो भाव कब प्रकट होते हैं? जब वो कृष्ण का नाम सुनते हैं, कृष्ण की गुण सुनते हैं, कृष्ण की लीला सुनते हैं, तो ये भाव प्रकट होते हैं। और जब ये कौन से भाव प्रकट होते हैं? बोलते हैं कभी वो जोर से हंसते हैं, कभी वो जोर से नृत्य करते हैं, कभी कभी वो अनेक प्रकार से क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं भगवान का स्मरण करके, और कभी कभी वो उच्च स्वर में भगवान का गुणगान करते हैं। स्पष्ट बताया है, उसमें कोई शास्त्रों के बाहर की बात नहीं है। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत जो सबसे ऊंचा शास्त्र है उसमें भी ये सीक्रेट को जगह जगह पे उसका एक झलक दिखाई है हमको। तो मेरे पीछे बोलिए, चित्तार्पितुन्मादया। स्वरूप गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे इस जगत के निवासियों, मूर्ख निवासियों, सब बोलिए मूर्ख निवासियों, आप लोग आनंद लेते हो, किसी का जन्म हुआ, शादी हुई, करियर बना, धन कमाया, फलाना फलाना फलाना, अरे इस आनंद को सुनो। फिर एक उदाहरण देते हैं, बोले कामदेव, बोले पूरी जो दुनिया कामदेव के प्रभाव में पागल है, शारीरिक आकर्षण सबसे ज्यादा पागल करके रखता है, यहां शब्द है उन्माद, सबसे ज्यादा पागल करके रखता है शारीरिक आकर्षण। बोले कामदेव पहुंच गए वृंदावन कृष्ण को घायल करने के लिए, किसको घायल करने के लिए? कृष्ण को अपने बाणों से घायल करने के लिए, यह सोच के कि मैं कृष्ण को प्रभावित करूंगा। एक बार शिव जी को प्रभावित करने गए थे, तो वो ट्राई करते रहते हैं बड़े बड़े हस्तियों को भी प्रभावित करने का। जब कामदेव कृष्ण को प्रभावित करने गए, आप देखेंगे जिन लोगों ने वृंदावन परिक्रमा की, परिक्रमा शुरू होती है रमन रेती से, वृंदावन वाला रमन रेती, गोकुल वाला नहीं, रमन रेती से शुरू होती है, और उसके बाद पहला जो घाट आता है, तो दूसरा जो घाट आता है यमुना जी का, उसका नाम है मदन टेर घाट, जहां पे मदन कृष्ण को बेहोश करने आए थे, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य देख के मदन को ऐसा प्रभाव हुआ, मदन वहीं सर चकरा कर गिर गए। इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य, मदन उस आनंद को समा नहीं पाए। अच्छा, मदन आए तो उन्होंने सीधा कृष्ण के चरणों को देखा, और कृष्ण के चरणों को देखा जैसा अनुभव, देखिए कभी कभी भगवान ना ऐसा क्षणिक कृपा करते हैं, क्षणिक कृपा, जैसे हम वृंदावन में शायद कथा में बात कर रहे थे, कुछ भक्त आए वृंदावन में, बड़े आनंद में, प्रभु जी बस परिवर्तन हो गया, मजा आ गया,
बहुत मजा आ गया, कुछ तो हुआ वृंदावन में, कुछ तो पता नहीं क्या हुआ, हमको तो कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। बोले कुछ तो हुआ, लेकिन होता है, ब्रज भक्ति ब्रज का प्रभाव है, ब्रज की भूमि का प्रभाव है। तो भगवान कभी कभी वो एक सैंपल आनंद देते हैं, सडनली आपको आनंद मिलता है और फिर आप बोलते हैं हमें ये आनंद हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। तो एक भक्त बता रहे थे ये आनंद कैसा है, बोले आपकी जीभ है, जीभ के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, तो अगर उस पर एक रसगुल्ला रख दिया जाए तो समझेगा नहीं, टेस्ट ही नहीं आएगा, जीभ पे तो प्लास्टिक है। लेकिन अगर उस प्लास्टिक में एक छेद कर दिया जाए, छोटा सा छेद, है ना, कभी आप वो आई ड्रॉप्स लेके आते हैं ना, उसमें छेद करते हैं, जैसे वो सुई निकालते हैं वो ड्रॉप छेद फिर बंद हो जाता है। कभी एक्सपीरियंस किया किसी चीज में आपने छेद किया वो फिर बंद हो गया, क्योंकि वो नीडल इतनी पतली सी होती है। तो आपने प्लास्टिक में छेद किया, उससे और रसगुल्ले की एक छोटी सी बूंद आपकी जीभ पर चली गई। क्या स्वाद है, क्या ये, क्या ये, और चाहिए। जैसे उस दिन किसी के तो घर पे गए थे, हाँ, किसके घर पे गए थे, आई थिंक अर्जुन के घर पे गए थे, यहाँ आई थिंक वो रीवा बैठी थी ना उधर, कहाँ है रीवा, है आज इधर नहीं आई। उसके लिए हम लोग वो मंदिर से क्या ले गया था, स्वीट राइस, यू वर नॉट देयर दैट डे, तो स्वीट राइस था ना, तो वो बोली हम नहीं खाएंगे, हमको बिल्कुल उसमें स्वाद नहीं, मतलब वो देख के घबरा रही थी, लेकिन वो जैसे ही उसके मुख पे एक चम्मच लगा रहे हैं तो बहुत टेस्टी है, राइट, ऐसे ही हुआ था ना, देन शी वांटेड मोर, उसको और चाहिए था, तो फिर उसको और मिल गया। अगला देखिए, लेकिन अब एक ही छेद था जीभ पे और उसमें से रसगुल्ले का एक बूंद गया और आपको चटका लगा है, सर ये क्या है, तो बहुत टेस्टी है और चाहिए मेरे को, लेकिन तब तक वो छेद बंद हो गया था। फिर आप तड़पते हैं, अरे ये प्लास्टिक निकालो, ये प्लास्टिक निकालो, ये प्लास्टिक निकालो। जैसे कुछ लोग पिछले साल वृंदावन यात्रा आए थे और इस बार आए, प्रभु जी पिछले साल जैसा आनंद नहीं आया, मतलब वो पिछले साल प्लास्टिक में पंचर हुआ था और इस बार बोल रहे प्लास्टिक निकालो, लेकिन भगवान ने पैक कर दिया प्लास्टिक, बोले तड़पो अभी और 10 बार आओ फिर दूंगा वो आनंद, तड़पो अभी आप लोग। तो कभी कभी भगवान वो थोड़ा पंचर करते हैं, आनंद देते हैं, फिर आप तड़पते रहो उसके लिए, जो आपकी तड़प, आपकी प्रैक्टिस, आपकी साधना इंटेंस हो जाएगी, फिर भगवान बोलेंगे लो अभी ये आनंद लो। तो कभी आनंद आता है, कभी नहीं आता, और ऐसा नहीं कि जब आनंद नहीं आ रहा जरूरी कि व्यवस्थापन में प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि नहीं नहीं इस बार कुछ तो प्रॉब्लम है, आप लोगों ने ढंग से किया नहीं, पिछली बार जैसा आनंद, हो सकता है इस बार भगवान ने आनंद लॉक कर दिया हो, कुछ लोग को इस बार भी आनंद दिया, कुछ लोग को इस बार बहुत आनंद आया और कुछ लोग को इस बार बिल्कुल आनंद नहीं आया, लेकिन भगवान ने वो टेस्ट दिया, अभी तड़पे उसके लिए, है कि नहीं। तो भक्ति में शाश्वत ऐसा नहीं, हमेशा आनंद रहेगा, थोड़ा देंगे फिर छोड़ देंगे, थोड़ा देंगे, क्योंकि भगवान उस आनंद को चीप नहीं बनाना चाहते, घटिया नहीं बनाना चाहते, कि तुम लोग कुछ भी बकवास करते रहो, कुछ भी घटिया आदतों में रहो, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है और मैं देता रहूं, ना 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 ना, ऐसा नहीं, मैं सैंपल दूंगा, उसके बाद अपने आप को तैयार करो, योग्य बनाओ उस आनंद के लिए। तो कामदेव कृष्ण को देखने आए, कृष्ण के चरणों को देखा, जो आनंद श्रीमती राधा रानी को हो रहा था, उनके रोम रोम से अश्रु प्रकट हो रहे थे, कामदेव के शरीर में भी वैसी ही अनुभूति होने लगी, ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कृष्ण को देख के, उनके रोम रोम से जो सोध प्रकट हुआ, बोले ऐसा लग रहा था एक एक फल का वर्णन किया गया है। अच्छा क्या हुआ, वो जो स्वेद छोटी छोटी बूंदे उनके शरीर पर प्रकट हो गई, मानो उनका रोम रोम अश्रु प्रकट कर रहा हो, और वो बूंद आते ही पूरा जो शरीर था स्तब्ध हो गया, फ्रोजन, बर्फ जम जाती है ना, वैसा हो गया, मतलब वो कृष्ण को घायल करने आए थे खुद ही घायल हो गए। और बोले कभी कभी ये आनंद डिसअपॉइंटमेंट के रूप में भी आता है, व्हाट इज हिंदी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, हां कभी कभी ये आनंद निराशा के रूप में प्रकट होता है। कैसे, बोले कृष्ण के दो पुत्र थे, प्रद्युम्न और सांबा, क्या नाम,
एक बार सांबा मिट्टी में खेल रहे थे, मिट्टी में खेलते खेलते आए और कृष्ण ने सांबा को गोद में ले लिया, देखा ही नहीं कि मिट्टी है, ठीक है पुत्र है थोड़ी ना देखते हैं कि छी गंदा बच्चा जा स्नान करके आ, ऐसे नहीं बोलते, पुत्र है ले लिया गोद में, ले तो लिया, लेकिन जो प्रद्युम्न थे उन्होंने देखा, उनके मन में थोड़ी सी निराशा हुई, काश मैं भी छोटा बच्चा होता, काश मुझे भी कृष्ण उतने ही स्नेह से अपनी गोद में उठाते जैसे उनके पुत्र सांबा को उठाया। तो कोई बोलेगा ये तो जलन है, द्वेष है, एनवी है। देखिए जलन और द्वेष तो वो होती है जिसमें आप दूसरे की हानि चाहते हैं, लेकिन यहां आपको इतना आनंद आ रहा है कृष्ण का स्पर्श हुआ सांबा को, काश उस स्पर्श और स्नेह का अनुभव मैं भी कर सकूं, और क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा थोड़ी सी निराशा हो रही है, लेकिन उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, हां वो आनंद है उसको मिल रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी निराशा हो रही है। तो बोले हृदय, अभी देखिए निराशा तब होगी ना, अब कृष्ण को का स्पर्श में आपको रुचि है तभी तो निराशा होगी, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है आपको उसमें तो निराशा ही होगी, ठीक है ले जाओ मुझे क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण में कोई रुचि होनी चाहिए ना। तो प्रद्युम्न को इतना आनंद, अरे कृष्ण ने सांबा को इस एक स्नेहवश अपनी गोद में ले लिया, काश मुझे भी, और सांबा को बोलते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि इस प्रकार का आनंद हृदय में उत्पन्न होता है जब भगवान की कृपा होती है, व्यक्ति बार बार यही सोचता है कि भगवान का स्पर्श कैसे हो, भगवान का सानिध्य कैसे मिले, भगवान के रूप गुण लीला का आनंद कैसे मिले, बाकी सब भूल जाता है, बाकी सब आनंद है तो है, नहीं है तो नहीं है, शरीर स्वस्थ है तो है, विवाह हुआ है तो हुआ है, धन है तो है, बाकी सब एक तरफ और ये आनंद एक तरफ। बोलिए चित्तार्पितुन्मादया। अच्छा चित्तार्पित उन्मादया के बाद बोलते हैं मदया। अभी मदया जो है वो एक लय, समदया बोलिए, अभी ये उन्माद को एक लेवल और आगे ले गए, बोले एक नशा हो गया समदया। अभी ये समदया मतलब इंग्लिश में लिखते हैं फुल एक्सटेसी एंड जॉय। बोलिए फुल एक्सटेसी एंड जॉय, साथ साथ थोड़ा इंग्लिश भी सीख लीजिए जिनको नहीं मालूम, फुल एक्सटेसी एंड जॉय क्या है प्रीत? फुल एक्सटेसी एंड जॉय मदया, टेंथ क्लास में अच्छे मार्क्स लाना, मैं पूछ रहा हूं बता नहीं रहा। समदया क्या वो है? एक्सटेसी एंजॉय, यस वो भी एक जॉय है, लेकिन यहां फुल एक्सटेसी एंजॉय, फुल जॉय, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद। अब इसका उदाहरण क्या दिया, देखिए देखिए भागवत दशम स्कंद में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, सुखदेव गोस्वामी एक कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, दो व्यक्तियों के बारे में जो कुबेर के पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव, जो दो वृक्ष बन गए और कृष्ण ने उन वृक्षों को उखाड़ दिया, दामोदर लीला, कितने लोगों ने सुना है दामोदर लीला, हाथ ऊपर कीजिए, काफी लोग को मालूम है। तो भगवान कृष्ण ने रेंगते हुए दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। अब ये वृक्षों की कथा क्या है, वहां पे भी मद शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या प्रयोग किया है, बोले ये दोनों नशे में थे अत्यधिक धन के, अत्यधिक पावर के, अत्यधिक उनके बोलते ना बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, धन का इतना नशा था, और बोलते हैं सबसे गंदा नशा धन का होता है, बोलते बाकी सब नशा तो फिर भी संभाल लेंगे, सौंदर्य का नशा, पांडित्य का नशा, ऊंचे जन्म का नशा, लेकिन सबसे गंदा नशा धन का होता है, क्योंकि धन के साथ सारी बुरी आदतें आती हैं। तो व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना पड़ता है धन का नशा ना हो। यहां पे आप देखिए ये दो कुबेर के पुत्र थे, नलकुवर मणिग्रीव,
स्नान कर रहे थे मंदाकिनी नदी में, उनका शरीर वस्त्रों से नहीं ढका था, साथ में कुछ महिलाएं भी थी। जब नारद मुनि सामने से आ गए, उन महिलाओं ने अपने शरीर को ढक लिया, उनको थोड़ी संस्कृति थी लेकिन इन लोगों ने अपने शरीर को नहीं ढका, भद्दा व्यवहार किया। और ऐसे कहीं कहीं वर्णन शास्त्रों में दिए हैं, आप मंदिर में जाएं, साधुओं के समक्ष जाएं, सभा सत्संग में जाएं तो सभ्य व्यवहार करना चाहिए और शारीरिक आकर्षण के प्रलोभन में प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इसलिए विशेष रूप से मंदिर में व्यक्ति जाता है अपने शरीर को अच्छे से ढक के सभ्य बन के, जो असभ्य व्यवहार है कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बहुत ही है तो करो, बाहर करो, मंदिर में आके मत करो। इसीलिए कुछ मंदिरों में, यहां पे तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है क्योंकि शहर में हम रहते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बाहर ही पुरुषों के लिए और लेडीज के लिए कुछ कपड़ा रखते हैं, अगर वो जैसे वस्त्र नहीं पहना तो बोलता है ये कपड़ा ले लो, रेंट पे ले लो, पहन के जाओ, है ना। महिलाओं के लिए दुपट्टा रखते हैं, पुरुषों के लिए भी कभी कभी धोती कुर्ता कुछ मंदिरों में कंपल्सरी होता है, कुछ मंदिरों में ऐसा भी है। बोले मंदिर में एंट्री है सभ्य वस्त्र पहन के जाओ, लेकिन नलकुंवर और मणिग्रीव सभ्यता खो बैठे थे, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत समय तक असभ्य व्यवहार में रहता है उसे खुद को ही समझता नहीं वो कितना गंदा हो गया, खुद को ही समझता नहीं कि वो जो कर रहा है वो व्यक्ति बहुत ही दूषित व्यवहार कर रहा है, बिकॉज हर समय। इसलिए देखो आप वैदिक संस्कृति में हमेशा गृहस्थ लोग संतों के पास जाया करते थे और बोलते थे, अरे अरे हम हमेशा दूषित वातावरण में रहते हैं, हमें भी मालूम नहीं हमारा मन मैला हो गया, थोड़ा सत्संग में बैठेंगे तो मन साफ हो जाएगा। वो एक रेगुलर प्रथा थी कि अपने से वरिष्ठ, गृहस्थ छोड़ो, मैं बोलता हूं गृहस्थ वैरागी कोई भी हो, अपने से वरिष्ठों के चरणों में बैठ के कथा सुनना ताकि जो मैल एकत्रित कर लिया वो धुल जाए। ये बहुत जरूरी था, तो ये दोनों को समझा नहीं, अरे नद में घूम रहे हैं, नारद मुनि सामने आए हैं, इन्होंने अपने शरीर को ढका ही नहीं, इनको कुछ होश ही नहीं है। तो नारद मुनि बोलते हैं आप नशे में, और धनी व्यक्ति को अगर नशा हो जाए उसके लिए सबसे अच्छा ऑइंटमेंट, क्योंकि आंखों की बीमारी हो गई है, नशा हो गया, उसके लिए सबसे अच्छी दवाई क्या है उसको गरीब बना दो। तो ऐसे कई उदाहरण है, पहले भी आए हैं, इवन भीष्म देव जो एक वसु के रूप में देवलोक में रहते थे उनको पृथ्वी में आना पड़ा, कृष्ण लीला में कई राक्षस हैं उनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। तो यहां पे मद था, नशा था, अहंकार था, और इतना मुश्किल से जो व्यक्ति ने पुण्य कमाया है और पुण्य से इतना ऐश्वर्य कमाया है सब खो दिया। तो व्यक्ति पुण्य कमाता है अपने वरिष्ठों की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके, गौ सेवा करके, कभी कभी हमारे पूर्वजों ने पुण्य कमाया हम उसका लाभ लेते हैं, लेकिन मूर्खता से खो देते हैं उसको, खो दिया। तो यहां लिखा है मद, लेकिन इसका ऑपोजिट है दूसरा मद जो भगवत कृपा से प्राप्त होता है, जिसमें व्यक्ति ना, उसका उदाहरण हम देखेंगे। बोले जो भगवत कृपा से प्राप्त है जिसमें व्यक्ति कृष्ण प्रेम का नशा है उसको। देखिए इस जगत में व्यक्ति भौतिक नशा बढ़ाने के लिए बहुत आतुर रहता है। प्रभुपाद जी का एक फेवरेट स्टोरी है, प्रभुपाद जी उनके गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बोले एक घर में एक सास बहू हुई, बोले सास को बुखार हो गया 102,
डॉक्टर आए, सास ने पहला प्रश्न पूछा मेरी बहू को कितना बुखार है, तो बोले आपकी बहू को 104 है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहू का बुखार मुझसे ज्यादा, कदापि नहीं, वेरी बैड, मैं हमेशा मेरी बहू से बेटर होनी चाहिए, तो मेरा बुखार उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी जगह पे एक अलग तरीके से उदाहरण बताया, बोला एक बड़ी अमीर औरत थी और उनके घर एक दासी काम करती थी, वहां पे उदाहरण ऐसे बताया है, बहुत उसका उसको बुखार हो गया। सबसे पहले प्रश्न पूछा मेरी दासी को कितना बुखार है, दासी को तुमसे ज्यादा, ऐसा कैसे दासी को मुझसे ज्यादा। डॉक्टर बोला बड़ी मूर्ख स्त्री, अरे अच्छा है ना बुखार तुम्हारा कम है। नहीं, अभी ये उदाहरण क्यों देते हैं, बोलते हैं बुखार मतलब भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, भौतिक चीजों में हमेशा बुद्धि डूबे रहना, शारीरिक आकर्षण में डूबे रहना, धन में डूबे रहना। तो जब मालूम चलता है किसी के पास ये सब चीजें ज्यादा हैं, मेरे पास कम है, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, तेरे पास ज्यादा कैसे है, बोले लेकिन ये तो बुखार है, जितना कम उतना अच्छा। लेकिन व्यक्ति तुलना करता है उसका ज्यादा मेरा कम, समझ रहे हैं आप लोग क्या नशे की बात कर रहे हैं, भौतिक नशा, उसकी तुलना बुखार से की है। और क्यों की है, हर कोई हर किसी को प्रयास करना चाहिए बुखार कम हो, ज्यादा ना हो, लेकिन इस जगत में लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा बुखार बढ़ जाए, भौतिक नशा बढ़ जाए। बोल रहे हैं भौतिक नशा कम करो, आध्यात्मिक नशा बढ़ाओ, क्योंकि आध्यात्मिक नशा ही उत्तम आनंद प्रदान कर सकता है, उत्तम सुख प्रदान कर सकता है। एक और उदाहरण देते हैं, बहुत कॉमन उदाहरण, बोलते हैं जब भी एक राजा हुए, एकांत में जाके जंगल में शास्त्र पढ़ रहे थे, गीता इत्यादि पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे हैं, एक कन्या भागती हुई आती है, देखती नहीं सामने वो बैठे हैं, लात मारती हुई चली जाती है। ये बड़े गुस्से, देखा नहीं तो शास्त्र पढ़ा राजा हूं। वो अपना काम करके आती है, जब जिससे मिलना था मिल आती है, वापिस आती है, वापिस आती है तो राजा बोलते हैं शर्म नहीं आई, तो देख के नहीं गई, लात मारती हुई गई मेरे को। वो बोली अरे अरे माफ करना, आप राजा हैं, ऊपर से शास्त्र पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं है, तो गई किधर थी? बोले मैं अपने प्रेमी से मिलने गई थी। तो बोलते हैं कथा कई प्रकार से बताई गई है, एक तरीके से बताया, वो पूछती है मैं तो इतने नशे में थी कि अपने प्रेमी से इतना प्रेम है कि रास्ते में देखा ही नहीं क्या बाधा आई, क्या अड़चन आई, लेकिन आप जो शास्त्र पढ़ रहे हैं आपको उन शास्त्र के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं है, थोड़ा भी एब्जॉर्प्शन नहीं है, तल्लीनता नहीं है, थोड़ी सी मेरी लात क्या लग गई आप इतने आग बबूले हो गए। तो बोले ऐसा प्रेम जैसा जिस पागलपन से मैं भागी हूं उतना प्रेम आपको अपने अध्यात्म में होना चाहिए। इसके संदर्भ में कथा आती है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, प्रद्युम्न मिश्रा और रामानंद राय दो भक्त हुए, रामानंद राय एक गृहस्थ भक्त थे और प्रद्युम्न मिश्रा भी दूसरे भक्त थे, जो एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं और जैसे मैंने बताया संत के पास गए, आप बोलेंगे अरे मैं दूषित व्यक्ति हूं मेरे को आप कथा से शुद्ध कीजिए। तो प्रद्युम्न मिश्रा चैतन्य महाप्रभु जो कि सन्यासी हैं उनसे मिलने आए, बोले मुझे आप कृष्ण कथा का ज्ञान दीजिए। ठीक है ना, आप एक वैरागी के पास गए बोले कृष्ण कथा का ज्ञान दीजिए, चैतन्य महाप्रभु बोले मैं इस लायक नहीं, अगर आपको सच में ज्ञान चाहिए ना ये रामानंद राय हैं उनके पास जाइए। प्रद्युम्न मिश्रा शौक, अरे आप सन्यासी है वो गृहस्थ है उनके पास क्या भेज रहे हैं आप ज्ञान दीजिए। नहीं नहीं आप रामानंद राय के पास जाइए। सुंदर बात है, सोचने वाली बात है। देखिए
एक सन्यासी बोल रहे हैं आप इन गृहस्थ के पास जाइए, चलो अभी आ गए तो फंस के जाना पड़ेगा। प्रद्युम्न मिश्रा गए रामानंद राय के पास, रामानंद राय के सेक्रेटरी बैठे थे, उन्होंने उनको पूछा कि अरे हमको मिलने हैं उनसे। वो बोले आप थोड़ा वेट कीजिए, वो व्यस्त हैं। तो वेट किया वेट किया, बहुत समय हो गया, काफी लेट हो गए। पूछा वो किस में व्यस्त है, उन्होंने बोला रामानंद राय इस समय कुछ महिलाओं का कुछ कन्याओं का श्रृंगार कर रहे हैं, कुछ कन्याओं का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये शौक, क्योंकि देखिए ये कोई कलयुग के लोग नहीं है जिनको कोई आचरण नहीं मालूम, बोले पुरुष होके कुछ कन्याओं का श्रृंगार कर रहे हैं, श्री कैसे? और महाप्रभु बोलते मैं इनसे कथा सुनूं, कोई उनका आचरण है कि नहीं, कोई सभ्यता है कि नहीं, ये कन्या के शरीर को स्पर्श भी कैसे कर सकते हैं? बोले किन कन्याओं का श्रृंगार कर रहे हैं? बोले ये जो कन्याएं जगन्नाथ भगवान के सामने नृत्य करने वाली हैं, कृष्ण लीला पे आधारित। किनके सामने नृत्य करने वाली है? जगन्नाथ, मतलब भगवान कृष्ण के मंदिर में नृत्य करने वाली। वो बोले वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक पुरुष कैसे श्रृंगार कर सकता है? कन्याओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके शरीर को तैयार कर रहे हैं ताकि वो उस नृत्य के लिए तैयार हो सके। अभी यहां पे एक बात है, पहली बात तो ये कथा सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें उस कथा की नकल नहीं करनी है, कि चलो रामानंद राय ने किया तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तब प्रद्युम्न मिश्रा थोड़े से हैरान रह के परेशान होके बोले इनसे कथा नहीं सुनना, वो चैतन्य महाप्रभु के पास वापस आए। और चैतन्य महाप्रभु बहुत 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 स्ट्रिक्ट थे कि पुरुष स्त्री का आपसी वार्तालाप आपसी व्यवहार कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के रूप में एक महिला की परछाई से भी दूर रहते थे, इसलिए नहीं कि महिला को नीचा माना गया है, इसलिए कि महिला का सम्मान किया गया, यह बात भी समझनी जरूरी है। कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म पे उंगली उठाते हैं कि अरे ये आपके यहां महिलाओं को नीचा नहीं, सम्मान किया गया रिस्पेक्टफुली। तो जैसे हम इसे सुनते हैं, हम एक राजा है एक रानी है, दूर से सम्मान करते हैं, तो आजकल वो संस्कृति चली जा रही है, कोई भी किसी को भी गले लगा लेता है, कोई भी किसी से हैंडशेक कर लेता है, कुछ संस्कृति है ही नहीं, क्योंकि सब बेशरम हो गए। क्योंकि हम सबका वातावरण क्या है आसपास, जो बॉलीवुड में देखते हैं हॉलीवुड में देखते हैं वैसे ही अपना भी आचरण बना हुआ है, तो बेशर्मी की हदें पार कर दी है। महाप्रभु महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु बोले पता है क्या, महाप्रभु बोले कोई और व्यक्ति अगर ये करेगा ना उसको हम समाज से बहिष्कृत कर देंगे। महाप्रभु, मैं सिर्फ पैराफ्रेस कर रहा हूं, एग्जैक्ट शब्द नहीं बोल रहा, महाप्रभु बोले मैं स्वयं ऐसा सोच भी नहीं सकता। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। तो महाप्रभु हम सबके लिए एक उदाहरण सेट कर रहे हैं कि व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि वो कैसे दृश्य देखता है, किन लोगों का संग करता है, किस प्रकार के वातावरण में रहता है, कि वैसे उसका आचरण उत्पन्न होगा। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं रामानंद राय इतने उत्तम कोटि के भक्त हैं, वो हैं तो पुरुष के शरीर में, लेकिन पुरुष का शरीर केवल एक वस्त्र है, वो हर समय वृंदावन की एक गोपी के भाव में रहते हैं, और उस गोपी के भाव में उन कन्याओं को तैयार कर रहे हैं, जैसे एक महिला दूसरी महिला को हेल्प करती है और वो उनको कृष्ण की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या है? भाव का नशा है। देखिए उधर नलक और मणिग्रीव थे, उनको भी नशा था, बिल्कुल बेशरम निर्लज हो गए थे, इनको भी नशा है, लेकिन इनका नशा कहां से आ रहा है? कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण की सेवा का नशा, कृष्ण की लीला का नशा, उनको अपने पुरुष और स्त्री शरीर का नशा नहीं है। लेकिन हम लोग जब कोई भद्दा काम करते हैं, हम लोग का शारीरिक नशा बहुत ज्यादा रहता है जो हमसे भद्दा काम करवाता है।
सो हमें कॉन्शियस रहना है कि हम शारीरिक बुद्धि में है, वो शारीरिक बुद्धि में नहीं है, वो अलग प्रकार का मद, यहां लिखा है समदया, बोलिए समदया। महाप्रभु बोले फिर से जाओ और रामानंद राय से ज्ञान लेके आ। प्रद्युम्न मिश्रा फिर से गए अगले दिन, फिर से रामानंद राय से कथा सुनी। कई शिक्षाएं आ रही हैं। एक शिक्षा यह भी आ रही है कि व्यक्ति को उसके आश्रम से नहीं जानना चाहिए कि वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। जो ज्ञान दे सके उससे लेना चाहिए। बहुत सुंदर बात आ रही है, लोग अक्सर बाहरी पहनावे पे जाते हैं, भारी पोशाक पे जाते हैं, भारी रूप पे जाते हैं, आश्रम पे जाते हैं। महाप्रभु सन्यासी होके बोल रहे हैं ही इज अ बेटर कैंडिडेट, ज्ञान लेने के लिए वो मुझसे ज्यादा बेटर व्यक्ति है, उनसे ज्ञान लो। एक गृहस्थ बोल रहे थे, बोले प्रभु जी एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ के पास ज्ञान देने जाए वो हमारे अहंकार को नहीं जमता, इसलिए हम गृहस्थ होकर वैरागी के पास जाते हैं, क्योंकि जो हमारे ही क्षेत्र का है, हमारी ही फील्ड का है, हमारे साथ भक्ति में आया है, उसकी क्लास में बैठना हो नो 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 नो। तो बड़े ओपनली ईमानदारी से बताए, बोले ये मेरा अहंकार है, मुझे नहीं बैठने देता। महाप्रभु ने बोला आप उनके पास जाइए, क्योंकि ज्ञान तो जाएगा लेकिन ज्ञान के साथ साथ जो आपने अपने हृदय को विनम्र बनाया है उससे आपके हृदय की माटी तैयार हुई कि ज्ञान अंदर जा पाएगा। क्योंकि अगर आप एक सन्यासी के पास भी गए हैं, आप एक अहंकार लेके गए हैं कि हम तो इनसे ज्ञान ले रहे हैं, हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपने अहंकार को रख के रामानंद राय के पास गए, उनसे ज्ञान लिया, तो और आपके आपका हृदय वो तैयार हो गया उस ज्ञान के लिए। तो मेरे पीछे बोलिए चित्तार्पित उन्मादया समदया। और फिर बोलते हैं अगला बहुत सुंदर, शाश्वत भक्ति विनोदया, शाश्वत भक्ति विनोदया। बोले ये तीसरा जो हम कहीं बातें कर चुके हैं, लेकिन आज मैं चार या पांच भगवान की कृपा के प्रभाव की बात कर रहा हूं। फाइव इफेक्ट्स, टेन इफेक्ट्स चल रहा है, लेकिन आज हम फाइव इफेक्ट्स ले रहे हैं। कृष्ण कृपा के पांच इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसमें ये तीसरा है शाश्वत भक्ति विनोदया। स्टिमुलेट्स भक्ति, जहां भक्ति नहीं है वहां भक्ति की चिंगारी आ जाती है, जहां नहीं है। उदाहरण देते हैं, बोले एक एक व्यक्ति हुए बिजली खान, क्या नाम हुआ बिजली खान, है ना, आपने सुना है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और कौन से खान है, सैफ अली खान, वो बताइए कौन से खान है, आपकी तो दाढ़ी भी खान जैसी हो गई है और कौन से खान है बताइए, यूसुफ खान, मेरे को सब नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये सब खान है। देखिए यहां पे बोल रहे हैं बिजली खान, क्या नाम, बहुत बड़े संत रहे हैं, बहुत बड़े वैष्णव, एक्चुअली खान परिवार के हैं, लेकिन महाप्रभु की कृपा से परिवर्तन हो गया। कितने लोग से नाम सुने हैं बिजली खान का, जयंती प्रभु सुने हैं बिजली खान, सॉरी रस खान दिस इज बिजली खान, बहुत खान लोग को वैष्णव बनाया है महाप्रभु ने। यू हैव हर्ड बिजली खान, बिजली खान ने एक समाज बनाया पीवीएस, जैसे आप लोग एमबीएस बनाए हैं, पीवीएस पठान वैष्णव समाज, सच में अशोक मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम, हमने डिस्कस किया है, नहीं याद होगा, पठान वैष्णव समाज, सच में उसका नाम था पठान वैष्णव समाज, बिल्कुल ऐड नहीं कर रहा मैं, एज इट इज बता रहा हूं आपको, चैतन्य चरितामृत खोल लीजिए, मध्य लीला नहीं, शायद मध्य लीला में कोई चैप्टर में दिया है। कथा सुनना चाहेंगे बिजली खान की,
पठान वैष्णव समाज। क्या हो गया, महाप्रभु वृंदावन में रहे 2 महीना और ऐसा भक्ति का प्रभाव, वृंदावन में रह के उनको कृष्ण की बार बार कृष्ण लीला की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है लेकिन उनको 5000 साल की पहली लीला याद आ रही है। जब 2 महीना रहे तो 2 महीना अंत होने को आ रहा था, बार बार यमुना जी में जाते और यमुना जी में कूद जाया करते आनंद में, गोप गोपियों की लीला को स्मरण करके, और कभी कभी पानी में आते और यमुना की गहराई में चले जाते। तो आप सोचिए, असिस्टेंट परेशान, अभी सोचिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी है जो कब हाथ से निकल जाए और सीधा यमुना में कूदी मार दे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो महाप्रभु के 2 ब्राह्मण सेवक थे, वो बड़े परेशान। उन्होंने मथुरा के 2 लोकल लोगों से डिस्कस किया, एक ब्राह्मण और एक राजपूत। बोले आप लोकल हैं, जरा हेल्प कीजिए, हमारे जो सन्यासी हैं वो इतने भावुक हो जाते हैं, बार बार कृष्ण को स्मरण करके यमुना में कूद जाते हैं और यमुना की गहराई में चले जाते हैं, डीप, उनको वहां से बाहर निकालना पड़ता है। बड़े चिंतित उन्होंने बोला, एक काम करिए, आप महाप्रभु को सजेस्ट कीजिए, अभी मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति में गंगा के तट पे जाके स्नान कीजिए, धीरे धीरे उनको प्रयाग ले जाइए, यमुना से दूर जाए, क्योंकि यमुना का प्रभाव बहुत बहुत ही भक्ति में उन्माद प्रकट करने वाला है, यमुना को छोड़ के आप गंगा तट पे चले जाइए, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। ये उचित नहीं है महाप्रभु के मानसिक स्थिति के लिए, जो आध्यात्मिक उन्माद हो रहा है, यहां से दूर ले जाइए। ठीक है, ले जाते हैं। तो वो 4 लोग मिल गए, 2 उनके ब्राह्मण जो बंगाल से साथ में आए थे और 2 मथुरा में, और मथुरा में एक ब्राह्मण है, दूसरा कौन है, कौन है दूसरा, राजपूत, उसका नाम है कृष्णदास, राजपूत का नाम। चारों लेके जा रहे हैं। अभी वहां पे यमुना जी को देख के ऐसा उन्माद होता था, जैसे ही वृंदावन से बाहर आए, एक स्थान पे आए, वहां पे एक ग्वाला कई सारी गायों को लेके जा रहा था और वो खेतों में से निकल रहा था, वो ग्वाले ने गायों को एकत्र करने के लिए बांसुरी बजाई। अभी वो ग्वाला बांसुरी बजाते हुए कृष्ण के रूप में खड़ा हो गया और सामने गैया ही गैया हैं, उनको देख के महाप्रभु को और वृंदावन का स्मरण आए, और महाप्रभु को ऐसा वृंदावन का स्मरण हुआ, इतना जोर से कृष्ण का नाम लिए और ऐसा आनंद उनके हृदय में हुआ, वो बेहोश हो गए। अभी उनका शरीर उधर पड़ा है और ये 4 लोग पास पास बैठे हैं। उतने में एक पठान, बिजली खान, ये पठान अपने 10 प्रमुख जो उनका टीम था उनके साथ वहां से निकल रहे थे, वो वहां का देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। बिजली खान ने जब देखा कि महाप्रभु, उनको नहीं मालूम ये महाप्रभु है, लेकिन दिख रहा है बड़े तेजस्वी सन्यासी है, क्या रूप है, क्या तेज है, क्या सौंदर्य है, वो देख रहे हैं और बोले, ये 4 लोगों ने जरूर इस सन्यासी का धन लूट लिया होगा और इसको बेहोश किया, उसने ऐसा अंदाजा लगा लिया और घेर लिया और 4 लोग को धमकाने लगे, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो खैर नहीं। तो वो 2 बंगाली ब्राह्मण वो कांप रहे हैं, बाप रे, उन्होंने कभी ऐसा सीन देखा ही नहीं, ये कहां फंस गए हम लोग, बोले पहले वृंदावन में फंसे थे, वहां से निकले तो यहां फंस गए। दिस इज इंटरेस्टिंग, महाप्रभु की ऐसी ऐसी लीलाएं रही हैं, महाप्रभु को सेवा करना आसान नहीं था, महाप्रभु के मिशन में सेवा करना आसान नहीं था, एक तो उनकी भक्ति को संभालना और उसके साथ साथ जो वो सेवा देते थे वो कठिन से कठिन सेवा। तो महाप्रभु, वो बंगाली ब्राह्मण कांप रहे हैं, उनको कांपता हुआ देख कि ये 2 लोग खड़े थे, कौन से 2, एक ब्राह्मण और दूसरा राजपूत, वो दोनों सोचने लगे कि हम लोकल लोग हैं, हमको ही संभालना पड़ेगा। कभी आप लोग वृंदावन में यात्रा मैनेज कर रहे थे तो कभी आपको लोकल लोग की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि आप नहीं संभाल पाए, किसी लोकल को ही पकड़ो वही संभालेगा, कहीं दंगा हो जाए तो किसी लोकल को संभालना पड़ेगा, आप संभालिए,
हम तो नहीं संभाल। तो ये दो लोग अभी संभाले, कैसे संभाले? तो ये भी अपना डींगे मारना शुरू कर दिए। उसमें से एक ब्राह्मण उठा, देखो तुम्हारे 10 लोग हैं तो क्या हमारी भी ऊंची पहुंच है ना? हमारे भी जब ऊपर से गवर्नमेंट के लोग आएंगे ना, देखना नानी याद आ जाएगी, निकल लो यहां से, फुट लो फुट लो निकल लो यहां से। तो अभी इसका कॉन्फिडेंस देखा तो पठान व्यक्ति घबरा, इतना कॉन्फिडेंस। फिर दूसरा राजपूत बोलता है, राजपूत बोला अरे हमारे यहां तो 200 सैनिक हैं, उनके पास 100 बड़ी मजबूत तोपे हैं, तोप बोलते हैं क्या बोलते हैं, बोले एक बार वो आ गए ना फिर तुम्हें दिखा देंगे, जो भी उनके पास थे हथियार। तो बोले हम दिखा देंगे। तो इनका इतना कॉन्फिडेंस देख के वो पठान व्यक्ति और उसके साथ 10 के 10 लोग घबरा गए, बोले ऐसा कॉन्फिडेंस? वो बोले नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को कुछ नहीं बोला, वो समझ गए लोकल लोग हैं, इनसे पंगा नहीं लेना। बोले आपको कुछ नहीं बोला, ये दो ब्राह्मण इन्होंने चोरी किया हुआ इस सन्यासी का सारा सामान। वो बोले देखो ना इन्होंने चोरी किया ना हमने चोरी किया, इस सन्यासी को होश में आने दो, ये सन्यासी स्वयं बताएंगे कि किसने चोरी किया। थोड़ा देर वेट किया, थोड़ी देर में चैतन्य महाप्रभु होश में आए और जोर से गर्जना की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसी गर्जना हुई मानो आसमान को भेदती हुई। वो पठान का हृदय कांप उठा, बोले क्या सन्यासी है ऐसी गर्जना? और वो गर्जना हुई इससे पहले महाप्रभु को पूर्ण रूप से होश आए। ये 4 लोग को जब बंदी बनाया था पठान ने छोड़ दिया, क्योंकि वो गर्जना इतनी भयानक थी, बोले जाओ 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 इससे पहले इनको मालूम चले। महाप्रभु को होश आया, महाप्रभु से पूछा ये लोग आपके साथी हैं या आपको बंदी आपके दुश्मन है? महाप्रभु नहीं नहीं मैं तो बीमार रहता हूं हमेशा, मैं तो कहीं भी बेहोश हो जाता हूं, ये तो मेरे साथी हैं, मेरी सेवा करते हैं। जब महाप्रभु के भक्ति भाव को देखा तो ये जो 10 लोग खड़े थे उसमें से एक व्यक्ति बाहर आया, उनको इस्लाम के शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। तो वो आके महाप्रभु से बोलता है वैसे हमारे शास्त्र भी बुरे नहीं हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। होता ना कभी कभी एक आपको भक्ति में देख के ट्रेन में कोई मिल जाता है, वो अपनी बात सुनाने लगता है, फिर वार्तालाप शुरू हो जाता है, हमारे यहां तो ऐसा करते हैं और हमारे यहां तो ऐसा करते हैं। कितने लोग को अनुभव है, लोग मिल जाते हैं अपनी अपनी कहानी बोलने लगते हैं। तो वो एक सूफी व्यक्ति था, उसको बहुत मालूम था, वो अपनी कहानी बोलने लगा। महाप्रभु ने उसको कुछ शब्दों में ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, और कुछ क्षणों में वो व्यक्ति ने समर्पण कर दिया, अरे मैं आपका शिष्य, आपके शास्त्र महान, हमारा शास्त्र, क्योंकि महाप्रभु गीता में से भी बोल रहे हैं, भागवत में से भी बोल रहे हैं, इस्लामिक शास्त्र भी बोल रहे हैं। बोला बाप रे इसको सब मालूम है, इसको हमारा भी मालूम है, अपना भी मालूम है, और पूरा समेट के ऐसा संभाल लिया उसको। वो व्यक्ति महाप्रभु के चरणों में मुझे अपना शिष्य बना लो। एक क्षण में वो मुस्लिम व्यक्ति शिष्य बन गया, महाप्रभु ने दीक्षा दिया, महाप्रभु बोले आज से तुम्हारा नाम रामदास। अभी उसका नाम रामदास, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं कि 6 महीना 16 माला करो, साल 16 माला करो, चलो रामदास हो गया, तो उसे रामदास बन गए। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अगर नौकर को कुछ मिल जाए जो मालिक को नहीं मिला तो मालिक उतावला हो जाता है। तो बिजली खान परेशान, अरे हमारी टीम का एक मामूली आदमी, उसको कृपा मिल गई, मुझे नहीं मिली। तो बिजली खान चरणों में गिर गया, बोले मुझे भी कृपा दो। तो तब महाप्रभु ने जो बिजली खान को ज्ञान दिया, बिजली खान को कुछ ही क्षणों में एक उत्तम वैष्णव बना दिया। और तब महाप्रभु बोले मैं आपको सेवा देता हूं, आपका पूरा समाज जाओ उसको वैष्णव बनाओ। तो बिजली खान निकल गए जगह जगह घूमते हुए और अपने पूरे समाज को वैष्णव बनाने लग गए, तो बन गया पठान वैष्णव समाज, पीवीएस। बोलो पीवीएस की पठान वैष्णव समाज। तो ऐसा कहीं कहीं जगह हुआ, बंगाल में हुआ, वहां पे हुआ। तो ये बिजली खान शाश्वत भक्ति विनोदया, जहां भक्ति का कोई चांस नहीं है,
आप सोचेंगे इनको कृपा देने का कोई मतलब नहीं, बेकार लोग हैं। अरे महाप्रभु कृपा पे डाउट मत करो, जहां बिल्कुल चांस नहीं था वहां उत्तम भक्ति प्रकट हो गई, छोड़ो उसको तो छोड़ो, उसके माध्यम से पूरे समाज को भक्त बना दिया, इसी पे डाउट मत करना। तो ऐसा है, अभी दो चीजें रह गई, समदया चित्तार्पित उन्मादया शाश्वत भक्ति विनोदया। अभी दो और प्रभाव क्या है, महाप्रभु के कृपा के, भगवान कृष्ण की कृपा के, माधुर्य मर्यादया आमंदोदया, इसका वर्णन हम लोग अगली बार करेंगे। हरे कृष्ण। कुछ कमेंट प्रश्न, कुछ कोई कहना चाहेगा?